अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है जल जाना। जल जाना से मुराद गर्म पानी, तेजाब, गर्म तेल वगैरह से जल जाना। याद रहे, अगर जिस्म का ज़्यादा हिस्सा जल जाए तो अमूमन मौत वाक़या हो जाती है। अगर मामूली सी जगह जली हो तो अज़ू को आग के करीब रखने से इसमें सूजन नहीं पड़ती, आबले नहीं होते और गर्मी निकल जाती है। इसमें अगर जलने के बाद बुखार हो जाए तो सबसे पहले इकोनाइट दवाई होती है। ज़्यादा जल जाने से अगर तशद्दुद पैदा हो जाए तो कैमोमिला दवाई होती है। अगर हाथ पांव और तमाम जिस्म बहुत सूज जाए तो कर्केरिया कारक दवाई होती है। जलन के लिए जिसे गर्मी से आराम आए, आर्सेनिक एल्बम दवाई होती है। जलन के लिए गर्मी से तकलीफ पड़े तो स्केल कार दवाई होती है। अगर जलने के बाद शदीद दौरे पड़ जाए तो सक्रामोनियम दवाई होती है। अगर जलने के बाद कुव्वत हयात कमज़ोर हो, तमाम जिस्म ठंडा लेकिन मरीज़ अपने अंदर जलन महसूस करे तो कार्बोविज मेडिसिन होती है। कैंथेरेस आमतौर पर बेहतरीन दवाई होती है। सबसे पहले कैंथेरेस इस्तेमाल करते हैं। जली हुई जगह पर पिपरमेंट लगाने से दर्दों को फौरन आराम आ जाता है। ज़्यादा गर्म गज़ा खाने से अगर मुँह, गला या मीदा में जलन पैदा हो जाए तो कैंथेरेस 3x एक गिलास पानी में चंद कतरे डाल के गरारे करने से काफ़ी बेहतरीन महसूस होती है।